दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं आईपीएल दोबारा शुरू होना चाहिए तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल को बीच में ही निलंबित करने से क्रिकेट प्रेमियों के बीच में मायूसी छा गई थी, लेकिन अब आईपीएल लवर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। इस वीडियो में हम आपको आईपीएल कब और कहां खेला जाएगा ये तो बताएंगे ही, साथ ही बताएंगे बचे हुए मैचों का शेड्यूल भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि आईपीएल को दोबारा शुरू किया जाना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2021 की यादें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि उन्हें आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। चाहे वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम का एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन करना हो या फिर दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऋषभ पंत की कप्तानी करनी हो, खिलाड़ियों ने आईपीएल को रोमांचक बनाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। आईपीएल के 29 मुकाबले हो जाने के बाद आईपीएल पूरी तरह से अपने रोमांचक मोड़ पर आकर खड़ा हुआ था, लेकिन इस बीच खतरनाक वायरस ने अपनी दस्तक दे दी, जिसकी वजह से आईपीएल को बीच में ही बीसीसीआई ने निलंबित कर दिया। हालांकि ये फैसला बहुत ही कम समय में लिया गया क्योंकि कई टीमों के खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए थे। बीसीसीआई के इस फैसले से क्रिकेट प्रेमियों को काफी ज्यादा ठेस पहुंची थी, लेकिन अब जल्द ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब आईपीएल के बचे हुए मुकाबले जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आपको बता दें कि भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 जून को न्यूजीलैंड के साथ खेलना है और ये मुकाबला इंग्लैंड की सरजमी पर खेला जाएगा, जो कि बेहद ही रोमांचक होने वाला है। इसके बाद ही जुलाई में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने भारत का श्रीलंका दौरा घोषित कर दिया है। हालांकि ये दौरा 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसे जुलाई 2021 में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद भारत को इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलनी है, जो कि 4 अगस्त से 14 सितंबर के बीच में खेली जानी है। उसके बाद बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली द्वारा ये फैसला लिया गया कि आईपीएल के बचे हुए मुकाबले सितंबर में दुबई में शुरू कराए जाएंगे। 14 सितंबर को सीरीज खत्म होने के बाद सभी खिलाड़ी दुबई पहुंच जाएंगे और एक हफ्ते के लिए क्वारंटाइन हो जाएंगे। अन्य देशों के खिलाड़ियों को पहले से ही दुबई बुला लिया जाएगा और उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। जैसे ही सभी खिलाड़ी क्वारंटाइन पीरियड खत्म कर लेंगे 21 सितंबर से आईपीएल के बचे हुए मुकाबले शुरू हो जाएंगे। वैसे तो बीसीसीआई के सामने इंग्लैंड, श्रीलंका और दुबई 3 विकल्प थे जहां पर आईपीएल कराया जा सकता था, लेकिन बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए दुबई में आईपीएल के बचे हुए मुकाबलों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया। सितंबर से आईपीएल के बचे हुए मुकाबले शुरू हो जाएंगे। 21 तारीख को आईपीएल का 30वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा। उसके बाद सभी मैच डबल हेडर मुकाबले हो जाएंगे। 22 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस, जबकि दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में खेला जाएगा। इसी तरह डबल हेडर मुकाबले होने की वजह से 4 अक्टूबर तक आईपीएल के 56 मुकाबले पूरे हो जाएंगे। उसके बाद एक दिन का गैप दिया जाएगा और 6 तारीख को पहला क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा, जबकि 7 तारीख को एलिमिनेटर मुकाबला होगा और 8 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा और 9 तारीख को कोई मैच नहीं होगा और अंत में फाइनल में पहुंचने वाली टीमों के बीच में फाइनल मुकाबला 10 अक्टूबर को दुबई के मैदान पर खेला जाएगा और इस तरह आईपीएल समाप्त हो जाएगा, जिसके कुछ समय बाद T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन किया जाना है। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है कि आईपीएल 2021 का खिताब कौन सी टीम अपने नाम करेगी? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस या फिर कोई और? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसी तरह की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।